वेलकम टू पहलगाम। वेस्ट बंगाल का एक ऐतिहासिक जिला मुर्शिदाबाद। आई बिलोंग फ्रॉम देयर। मैंने बरहमपुर कोर्ट से हजारद्वारी एक्सप्रेस लिया और पहुंच गए कोलकाता रेलवे स्टेशन। रात को 10 बजे हम स्टेशन पहुंचे थे, इसीलिए रेलवे स्टेशन की एसी डॉर्मिटरी में हमने चेक इन किया। दिस कॉस्टेड अस 75 रुपीज पर आवर फॉर पर पर्सन, और इसमें आपको फुल्ली कवर्ड कर्टेंस मिलते हैं, वेल कुशन्ड कंफर्टेबल बेड मिलता है, एंड उसके साथ आपको शेल्फ्स भी मिलेगा, एसी है। स्टिल दे प्रोवाइड अस आवर ओन पर्सनल फैन, चार्जिंग पॉइंट्स एंड पिलोज भी प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। क्योंकि हमारा सुबह 7 बजे की फ्लाइट थे, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 बजे हम निकल गए एंड पहुंच गए 4 बजे एयरपोर्ट। कोलकाता से श्रीनगर की कोई भी नॉनस्टॉप फ्लाइट नहीं है, तो हमारा जो लेओवर था वो दिल्ली में था फॉर अराउंड 2 आवर्स। कोलकाता टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू श्रीनगर फ्लाइट का जो डिटेल्स है उसके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाया है, मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगी, मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो फर्स्ट। फिर हम लोग पहुंच गए श्रीनगर। हमारी गाड़ी ऑलरेडी बुक्ड थी। अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, मैं अलग से एक ट्रैवल गाइड वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। आप इसमें हर कोई ड्राई फ्रूट लगा मिक्सेज, ये यहाँ का ट्रेन कश्मीरी का हुआ है। श्रीनगर से हम डायरेक्टली जा रहे थे पहलगाम। रास्ते में पैम्पोर जगह आती है जहाँ पे केसर के खेत होते हैं। अब ये तो केसर का मौसम नहीं था, लेकिन हम लोग केसर खरीदने पहुँच गए थे इस दुकान पे। ये स्पेशल ड्राई फ्रूट से भरा हुआ कश्मीरी केवा है, जिसे आपको पीना नहीं है, लिटरली आपको खाना है। इसको खाओ, एक दो पीस आगे वाले दांत से चबाओ, चबाने से अगर मीठा लगेगा तो केसर नहीं है। इसका टेस्ट और भी हल्का सा कड़वा मीठा रहता है, उस वजह से केसर खराब रहा नहीं होना चाहिए। केसर खरीदने से पहले टेस्ट ज़रूर करना, मुंह के सामने वाले दांत में केसर को लेना है और उसे थोड़ा सा चबाना है, अगर कड़वा लगे तो वो असली केसर है। इस दुकान से हमने काफ़ी सारी केसर की शॉपिंग की है और ड्राई फ्रूट्स अभी तक नहीं लिया है। और ये जो कश्मीरी केवा लिखा है ना, यहाँ से हमने वो कश्मीरी केवा और कश्मीरी रोटी भी खाई थी। मुंबई का फैशन और कश्मीर का मौसम दोनों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल सकती है। ये मैं नहीं कहती, ये यहाँ के लोग कहते हैं। और सच में यहाँ पे देखिए, अभी बारिश होने ही वाली है, कितने ज्यादा बादल हैं और ऊपर पहाड़ों में अभी धूप है लिटरली। पहलगाम जाते टाइम और पहलगाम में भी आपको साइड से एक नदी बहते हुए दिखेगी, ये है लिडर रिवर, जो कि सीधा जाके झीलम नदी में मिक्स होता है। इस खूबसूरती को हमें मिस नहीं करना था, इसलिए हम रुक गए फोटो सेशन के लिए। सो अभी हम लोग है पहलगाम जाने के रास्ते पे और ये है लिडर रिवर एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत ही ज़्यादा ठंड है इधर और थोड़ा बहुत हमने फोटो सेशन इधर की है एंड अभी हम लोग पहुँचेंगे हमारे होटल। Thank you.
फाइनली होटल पहुंच गए। रास्ते में बारिश भी हुई लेकिन चेक इन वगैरह सब कर लिया। अभी बाहर जाना है, सामने ही है टैक्सी स्टैंड। तो हम लोग निकल पड़े हैं एक्सप्लोर करने पहलगाम मार्केट, और कुछ खाएंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स कम एंड एक्सप्लोर विद मी पहलगाम। ये सर जितना तो टेस्टी वाला मिलेगा सर, इधर मिलेगा टेस्टी वाला सर। एक प्लेट कितना? ये चिकन एक प्लेट आएगा 100 का, 1 पीस आएगा 50 का मैम। कितने का? ये 100 के 3 स्टिक है मैम। टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट कर लीजिए, अच्छा लगा तो अभी 2 दिन है इधर, हर रोज ही आप फिर भी खा लीजिए मैम, वो बात नहीं है, मगर यहाँ पर महंगाई बहुत है मैम। ये है हमारा होटल, होटल पैलेस्टाइन, और ये हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया था। आप व्यू देखिए जस्ट, एंड एकदम मेन मार्केट में ही है, इसके ऑपोजिट में ही ये कबाब वाले स्टॉल्स है, एंड जो यहाँ का टैक्सी स्टैंड है ना वो इसके ऑपोजिट में ही है। सो दिस इज़ द मेन एरिया। हाँ जी, रात को खाने के लिए, खाने के लिए सबसे बढ़िया यहाँ पर है कश्मीरी वाजवान सर, जो कि यहाँ का फेमस है। कहाँ का मतलब, कौन से रेस्टोरेंट का? सब कुछ, जो आगे आपको मिलेगा पैराडाइज भी मिलेगा आपको, वहाँ पर भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा सर। पैराडाइज जी सर, कहाँ बोल रहे हो सर? आप यहाँ से स्ट्रेट जाइए, आगे आपको लेफ्ट टर्न में आपको आएगा पैराडाइज सर। फिर भैया ने हमें सर्व किया 1 पीस चिकन सीख कबाब, उसके साथ मूली के 2 तरह के वो चटनी सर्व करते हैं, एंड सर्व करते हैं रोटी। रोटी इसी के साथ आता है सर। कितने रोटी आएंगे इसमें? आएंगे 1.5 आएगा इसमें मैम। तो ये एक प्लेट है, इसमें है चिकन कबाब, एक रोटी, मूली के अचार 2 तरह के, और इसका प्राइस है 50 रुपीज़। सो लेट मी टेस्ट दिस। बहुत अच्छा है, फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो खाने के बाद लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट अ बिट। Potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me. Calcutta se. Calcutta. West Bengal, Calcutta. आप कुछ बताओ ना, क्या बताएं इसके बारे में? ये इसके बारे में, ये अखरोट का झाड़ है, और अखरोट निकलता है सितंबर में, अखरोट का फंडाई होता है इधर। क्या होता है? अखरोट का फटाई होता है सितंबर में इधर। आज अभी छोटा छोटा अखरोट 6 महीने के बाद पूरा ये तैयार हो जाता है, अखरोट खाने के लिए हो जाता है। इसको बोलते हैं अखरोट वेली। क्या बोलते हैं? अखरोट वेली। इसमें जितने भी ये झाड़ है ये सब अखरोट के झाड़ है, बाकी और इसमें कोई झाड़ नहीं है, इसमें खाली अखरोट के झाड़ है। देखा बस एक ही पॉइंट, लेकिन जो घोड़ा वाला था उनके साथ बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो हमने 550 रुपये दिए उनको। ये फर्स्ट हमारा, हाँ ये अच्छा गया। उस टाइम आने के वक्त हमने ड्राई उसके साथ जो केवा है वो ट्राई किया था, वो मुझे ठीक ठाक लगा था, थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन इस बार हम लोग प्लेन जो केवा है वो ट्राई करने वाले हैं। ये 30 रुपये है पर कप, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा है। और नहीं नहीं
और फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा मिठाई मीठा थोड़ा ज़्यादा है लेकिन काफ़ी अच्छा है। फिर पंजाबी रसोई में डिनर करके हम होटल वापस आके सो गए। नेक्स्ट व्लॉग मिस मत करना, नेक्स्ट व्लॉग में हम पूरा पहलगाम घूमेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्लॉग है। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।